यूएस के एक सफाई कर्मचारी जिन्होंने मरते मरते पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मौत के वक्त इनकी संपत्ति यानी कि नेटवर्थ थी $8 मिलियन। आइस एज और वॉरेन बफे की संपत्ति में क्या सिमिलर है आपको पता है? या फिर जर्मनी के वर्ल्ड वॉर टू हारने की वजह और फाइनेंस के मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या रिलेशनशिप है? या वॉल्ट डिज्नी की कंपनी के बैंकक्रप्ट होने में और उससे आप क्या फाइनेंशियल सीख ले सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़ेवा, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में, जहां पे मैं मॉर्गन हाउसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 5 ऐसे चैप्टर्स या लेसन्स आपके लिए लेके आई हूं, जिसका आप इस्तेमाल अपने पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ में कर सकते हैं और जिससे आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हैं, सो दैट योर साइकोलॉजी विद मनी, जी हाँ, आपका मनी के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो चेंज हो जाए। अब हमारी सबसे पहली कहानी शुरू होती है यूएस के एक जैनेटर से जिनका नाम था रॉनल्ड जेम्स रीड। अब ये एक आम जैनेटर थे, ठीक है। इन्होंने 25 साल तक एज अ मैकेनिक काम किया और उसके बाद 17 साल तक जेसी पेनी में पोछा लगाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि दीपिका हमें इस जैनेटर की कहानी क्यों सुना रही है? इसलिए कि इस जैनेटर ने जो करके दिखाया, इससे हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीख मिलती है। देखिए, ये कहने के लिए तो एक जैनेटर ही थे, इनकी ज़्यादा इनकम भी नहीं थी, लेकिन 2014 में यूएस में लगभग 28 लाख लोगों की डेथ हुई। उस 28 लाख लोगों में से सबसे ज़्यादा जो स्पॉटलाइट थी ना, वो इन्हीं के डेथ पे थी। तो ऐसा क्यों, एक जैनेटर के डेथ पे इतना हंगामा क्यों, क्यों लोग इतने अचंभित थे? इसलिए क्योंकि 2014 तक इस जैनेटर की जो नेटवर्थ थी, इनकी जो जमा पूंजी थी, वो $8 मिलियन की थी, जो अगर आप कन्वर्ट करते 2014 में तो लगभग 48 करोड़ वर्थ होता। अब आप और मैं, हम सबको एक ही सवाल होगा, एक सफाई कर्मचारी जो जेसी पेनी में 17 साल तक झाड़ू पोंछा लगा रहा था, उसने 48 करोड़, $8 मिलियन कैसे जमा किए? देखिए, इसके पीछे ना कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, उनको कोई लॉटरी नहीं लगी, ना उन्हें कोई इनहेरिटेंस मिली। वो आपके और मेरी तरह एक आम कर्मचारी थे, वो एक जैनेटर थे। इन लोगों को आपने और मैंने ऑफिस में आते हुए, ऑफिस में जाते हुए, हमने हर जगह देखा है। इनकी जो स्पेशलिटी थी वो एक ही थी, ये जो भी पैसा सेव कर सकते थे उससे वो ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स खरीदते और फिर वो उन स्टॉक्स को हाथ ही नहीं लगाते। तो उन्होंने ऐसा लगभग 40-50 साल किया और ये जो आप संपत्ति देखते हो ना एट द एंड, $8 मिलियन की, ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स है जो रॉनल्ड रीड करते गए थ्रू आउट हिज लाइफ। जब कभी भी उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, वो जाते और ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स खरीदते, क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट में और कुछ समझ नहीं आता था, बट उन्हें विश्वास था कि ब्लू चिप कंपनीज मुझे स्टेबल रिटर्न्स देंगे, और वही हुआ। अब इससे हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीख मिलती है कि आपकी जो इनकम लेवल है ना, वो नहीं मैटर करती, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज़ आपका सेविंग्स रेट। आप चाहे कितना ही कमा ले, अगर आपकी सेविंग्स रेट हाई नहीं है तो आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। उनका इनकम क्या बहुत अरबों करोड़ों में नहीं था, राइट? वो एक जैनेटर थे, वो क्या ही कमा लेते, लेकिन उनके सेविंग्स रेट बहुत ही ज़्यादा थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके खर्चे कम थे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मॉडस्ट था। तो अक्सर आपने शायद खुद के साथ भी देखा होगा या अपने फ्रेंड्स के साथ भी देखा होगा कि जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा देते हैं। हम सेकेंड क्लास से क्यों ट्रैवल करेंगे, हम फर्स्ट क्लास का पास ले लेते हैं, हम रोज़ ओला से ऑफिस जाएंगे। लेकिन यहीं पर दिक्कत है, आप कि जब सैलरी बढ़ती है तो आपको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मॉडस्ट ही रखना है, जिससे कि जो बढ़ेगा वो होगा आपका सेविंग्स रेट। जी हाँ, इसका बढ़ना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आप भी रॉनल्ड रीड की तरह ही हैं और आपको नहीं समझ में आता कि मार्केट्स में क्या खरीदना चाहिए, तो आप चुपचाप जाइए, एक इंडेक्स फंड ले लीजिए या ब्लू चिप कंपनीज में निवेश कीजिए। द पॉइंट इज़, आपको अपना सेविंग्स रेट हाई रखना है, जिससे कि शायद जब आप रिटायर हों तो आप भी अरबोपति हो जाएं। तो ये थी हमारी पहली सीख। अब रॉनल्ड रीड की जो स्टोरी थी, उससे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले, अपना सेविंग्स रेट हाई रखिए, और दूसरा, आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। अब जब कभी भी मैं कहती हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, तो इन्वेस्टर्स कहते हैं हाँ, हमने फाइनेंशियल प्लान बना रखा है। लेकिन क्या आपका फाइनेंशियल प्लान डायनामिक है? क्या वो लाइफ के होने वाले अनसर्टनिटीज़, सरप्राइजेस, इन सब को अकोमोडेट कर सकता है? क्या आपके फाइनेंशियल प्लान में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है?
अब देखिए इसमें, इस बुक में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जर्मनी एक बहुत ही पावरफुल सेना थी। उनके पास जो इक्विपमेंट थे, जो टेक्नोलॉजी थी, वो अनपैरेलल थी, बाकियों के पास वैसा नहीं था। अब एक दिन क्या हुआ, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जर्मनी के पास 104 टैंक्स थे। तो जर्मनी वॉज वेरी यू नो कॉन्फिडेंट कि हम तो ये बैटल जीतने ही वाले हैं। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ थी। बैटल के वक्त उन्हें पता चला कि इन 104 टैंक्स में से 20 से कम टैंक्स ऑपरेशनल हैं। जी हाँ, 20 से कम टैंक्स एक्चुअली काम करते हैं। अब इंजीनियर्स को टेंशन आ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या रीज़न है कि ये टैंक्स काम नहीं करते। तब इंस्पेक्शन के बाद पता चला कि क्योंकि ये टैंक्स ऐसे ही रखे गए थे एंड दे वर नॉट बीइंग यूज्ड, तो वहाँ पे ना अंदर माइस हो गए थे, फील्ड माइस, जिन्हें कि हम चूहे कह सकते हैं, और उन चूहों ने अंदर के टैंक्स की इंसुलेशन को पूरा खा लिया था। तो बेसिकली जर्मनी वो हार गई वॉर, वर्ल्ड वॉर टू, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इससे आपको क्या सीख लेनी है कि आपके पास शायद दुनिया का सबसे बेस्ट फाइनेंशियल प्लान होगा, आपके पास शायद दुनिया का सबसे बेस्ट एडवाइज़र होगा, आप शायद दुनिया के बेस्ट फंड में या शेयर्स में पैसा डालते होगे, लेकिन अगर आप लाइफ की अनसर्टनिटीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो आपका फाइनेंशियल प्लान विल नॉट वर्क। ठीक है, द ओनली फाइनेंशियल प्लान दैट वर्क्स इज अ डायनामिक फाइनेंशियल प्लान, क्योंकि आपके गोल्स एंड आपके एस्पिरेशंस चेंज होते रहेंगे एज यू ग्रो अप। इसीलिए उस हिसाब से आपको आपके फाइनेंशियल प्लान्स भी चेंज करने पड़ेंगे और आपको हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने मेरा फाइनेंशियल प्लान बनाया है अज्यूमिंग अ 12% रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आप और एक प्लान बनाओ जहाँ पे यू आर अज्यूमिंग अ 10% रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग योर सेल्फ अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि अगर 12% नहीं मिला मुझे तो 10% से भी कैन आई अचीव माई फाइनेंशियल गोल और नॉट। शायद आपको ज़्यादा निवेश करना पड़े। देखिए, कभी भी ना ओवर अचीविंग इज ऑलवेज बेटर रादर देन अंडर अचीविंग अ फाइनेंशियल गोल। तो जर्मनी की तरह आप कॉम्प्लेसेंट मत हो जाइए कि हाँ हाँ सब चंगा है, मेरे पास 104 टैंक्स है, अगर उस 104 टैंक्स में से 20 से कम टैंक्स एक्चुअली ऑपरेशनल है तो आप वो वॉर हारने ही वाले हैं। तो ऑलवेज ऑलवेज मेंटेन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब भी आप निवेश कर रहे हो, जब भी आप फाइनेंशियल प्लान बना रहे हो, और अपने फाइनेंशियल प्लान को ना हमेशा डायनामिक रखिए नेचर में, उसे चेंज करते रहिए, डोंट गेट स्टैग्नेंट विद अ सिंगल फाइनेंशियल प्लान। सो ये थी हमारी सेकेंड सीख फ्रॉम द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में ना एक मज़ेदार कहानी है जहाँ पे साइंटिस्ट लोग ना ढूंढते रहते हैं कि ये अर्थ पे आइस एज क्यों एग्जिस्ट करता है, कहाँ से आई है ये बर्फ, इतनी बर्फ जो लेयर दर लेयर है ही। अब सालों से साइंटिस्ट लोग ना इसका उपाय ढूंढ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों है ये बर्फ और कहाँ से आई ये बर्फ, कहाँ से जमी इतनी बर्फ की लेयरें। अब वहीं पे एक रशियन मीटरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था व्लादिमीर कोपिन। अब इन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने ढूंढा, सरप्राइज सरप्राइज, ये जो आइसबर्ग जमने की वजह है ये इसलिए नहीं है कि बहुत ठंड हुई थी। जनरली आपको यही लगेगा ना, हाँ चलो बहुत सालों पहले बहुत ठंड हुई होगी या साल दर साल ठंड हुई होगी इसीलिए ये आइस की परतें जमती गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ये रीज़न है कि गर्मी कम थी। देखिए, जब सबसे पहला आइस का लेयर बनता है और अगर नेक्स्ट ईयर समर बहुत सीवियर हो तो वो आइस का लेयर पूरा मेल्ट हो जाएगा, लेकिन इस केस में क्या हुआ, एक आइस की लेयर बनी और अगले साल ना जो समर था वो इतना ही सीवियर नहीं था, इतना हार्श नहीं था, तो ये जो बर्फ़ की लेयर है ये पूरी मेल्ट ही नहीं हुई, इट रिमेंड। अब अगले साल फिर से विंटर्स आए और ये जो लेयर है इसके ऊपर और एक लेयर बनी, और देखिए ना समर फिर से कमज़ोर था तो समर कुड नॉट मेल्ट दैट लेयर। ऐसा करते 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 सालों साल, फॉर डेकेड्स एंड सेंचुरीज, ये जो आइस का लेयर है ये बनता गया एंड इवेंचुअली वी डिस्कवर्ड कि द रीज़न ये जो इतना सारा आइस है अर्थ पे इज़ नॉट बिकॉज बहुत ठंडे विंटर्स थे, इट इज़ रैदर बिकॉज समर्स बहुत ही ल्यूक थे या फिर समर्स इतने सीवियर नहीं थे। अब यही जो किस्सा है ना ये वॉरेन बफे की वेल्थ पे भी है। देखिए, वॉरेन बफे एक बहुत महान इन्वेस्टर है, देर इज़ नो डाउट। उनका स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी जो है उस पर लाखों बुक्स पब्लिश होती है, लेकिन मेरे हिसाब से उनका जो सीक्रेट है ना, उनका सीक्रेट है टाइम।
वॉरेन बफे ने जब निवेश करना चालू किया था तब वो महज 10 साल के थे और आज वो 92 इयर्स के हैं। उनका पैसा ग्रो जो कंपाउंड हुआ है ना, इट हैज़ हैपेंड ओवर अ स्पैन ऑफ 75-80 ऑड इयर्स। जब आप अपना पैसे को 75-80 इयर्स तक हाथ ही नहीं लगाते हो, जैसे कि उस आइस के शीट के साथ हुआ था, तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि आइसबर्ग्स बनेंगे। हेंस इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि वॉरेन बफे ने भी इतनी संपत्ति खड़ी की है। अब आप एक चीज़ जान के चौंक जाएंगे कि वॉरेन बफे ने जो एनुअल रिटर्न्स कमाए हैं ना, वो 22% थे। अब वॉरेन बफे से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न कमाने वाला भी निवेशक है, इनका नाम है जिम सिमंस। लेकिन इनकी संपत्ति वॉरेन बफे की 1% संपत्ति के भी बराबर नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जहां वॉरेन बफे के पास 75-80 ऑड इयर्स थे अपना पैसा कंपाउंड करने के लिए, वहीं पे जिम सिमंस के पास सिर्फ 20 या 30 साल ही थे। तो इसीलिए इवन दो जिम सिमंस 66% CAGR कमा रहे थे, वो फिर भी वॉरेन बफे के 22% CAGR को बीट नहीं कर पा रहे थे, ओनली बिकॉज वॉरेन बफे के साथ उनका टाइम था। वॉरेन बफे लगभग 75-80 ईयर्स तक इन्वेस्टेड थे। सो द बेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ इज़ ये आइसबर्ग्स की तरह, आप बस पैसा इकट्ठा कीजिए, उसे हाथ ना लगाइए, लेट इट ग्रो, लेट इट कंपाउंड अननेसेसरीली। उस पैसे को तोड़िए मत, उस FD को आपकी मत तोड़िए, जस्ट लेट योर मनी ग्रो लाइक दोज आइस शीट्स, सो दैट इवेंचुअली You also get to retire like Mr. Warren Buffett. अब हमारी चौथी जो स्टोरी है वो है स्टोरी ऑफ टेल्स की। देखिए, वॉल्ट डिज्नी ना आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा स्टूडियो हाउस है, लेकिन जब उनकी शुरुआत हुई थी तब वॉल्ट डिज्नी ने लगभग ना 400 और कार्टून्स बना रखे थे, और इन 400 और कार्टून्स की प्रशंसा तो हुई थी लेकिन ये प्रॉफिटेबल नहीं थे स्टूडियो के लिए। तो जब वो ये बना रहे थे, क्योंकि उनमें इतना पैसा डाला जा रहा था, तो ये वेंचर्स, उनके ये जो कार्टून्स हैं, ये प्रॉफिटेबल नहीं थे। और एक पॉइंट पे तो वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, ठीक है, वो बैंकरप्ट होने वाला था। लेकिन फिर कुछ अलग हुआ। क्या हुआ? फिर आई स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स की कार्टून। अब इसने पहले 6 महीनों में $8 मिलियन का बिजनेस किया। जी हाँ, $8 मिलियन का बिजनेस इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। और यहाँ से कंपनी का टर्न अराउंड चालू हो गया, यहाँ से कंपनी स्टार्टेड मेकिंग मनी। मेरा ये कहने का हेतु ये है कि आप जब भी निवेश करें ना, तो रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू बाय ऑल विनिंग स्टॉक्स। आप कभी भी विनिंग स्टॉक्स में ही नहीं निवेश कर पाएंगे। आपके पोर्टफोलियो में मेजॉरिटी शायद डर्ड्स ही निकले, लेकिन वो कुछ ऐसे स्टॉक्स निकलेंगे विच विल टर्न योर फॉर्च्यून अराउंड। सो फोकस ऑन दो स्टॉक्स, और यही करते हैं वॉरेन बफे भी। अगर आप देखेंगे तो उनके लाइफ स्पैन में उन्होंने लगभग 400 से 500 कंपनीज में निवेश किया होगा, लेकिन उनका जो ज़्यादातर पैसा बना है ना, वो सिर्फ 10 ही स्टॉक्स में से बना है, ठीक है। तो जो बाकी के 390 और स्टॉक्स हैं, दोज वर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनके बाद ही कुड अंडरस्टैंड कि वो कौन से 10 स्टॉक्स हैं जो मुझे पैसा क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं। तो डोंट बीट योर सेल्फ अप, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि मैं इस स्टॉक में भी डालता हूँ, उस स्टॉक में भी डालता हूँ, उस स्टॉक में भी डालता हूँ। ट्राई टू डाइवर्सिफाई, डोंट ओवर डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, एंड ऑलवेज रिमेंबर टू लुक फॉर द टेल एंड्स। ये ऐसे इवेंट्स होते हैं या ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो वन इन अ मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, लेकिन ये आपका फॉर्च्यून चेंज करने के प्रतिभा रखते हैं। तो व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग, फोकस ऑन इन्वेस्टिंग इन गुड सॉलिड कंपनीज। और इवन दो अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे लूजर्स भी हैं, दैट इज स्टिल फाइन एज लॉन्ग एज यू हैव अ टेल इवेंट, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो आपके पूरे फॉर्चून को चेंज कर सकता है। सो दिस वॉज द फोर्थ लर्निंग दैट वी हैव, दैट व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग, डोंट फोकस टू मच ऑन ऑलवेज पिकिंग द राइट स्टॉक, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होगा कि आप गलत स्टॉक ही पिक करेंगे, जैसे कि वॉरेन बफे के केस में भी हुआ था। 390 स्टॉक्स तो कुछ काम के ही नहीं थे, उनका ज़्यादा पैसा उन 10 स्टॉक्स से ही आया है। तो आप भी उन 10 स्टॉक्स को ही चुनने में और उन्हें सेलेक्ट करने में अपना ध्यान रखिए। बाकी स्टॉक्स को सब कुछ लेने की जो आपकी ग्रीड है, डोंट लेट इट ईट इन टू योर प्रॉफिट्स। सो दैट इज़ आर फोर्थ लेसन। अब इस किताब की मेरी जो शायद सबसे फेवरेट लर्निंग है वो ये है कि यू हैव टू डिफाइन योरसेल्फ। देखिए, एक ऐसा नोशन है फाइनेंस में कि एक असेट का एक ही इंट्रेंसिक वैल्यू, एक ही रैशनल प्राइस हो सकता है जो अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए अप्लाई करता है, लेकिन ये सही नहीं है।
अगर मैं लेट्स से मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक खरीदना है और मैं एक लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ, लेट्स से 30 ईयर्स मेरा टाइम होराइजन है, तो मैं क्या करूँगी ये देखने के लिए कि ये जो प्राइस है ये सही है या नहीं, ये जानने के लिए मैं रिलायंस का 30 ईयर्स का कैश फ्लो डिस्काउंट करके देखूँगी, राइट। अगर मैं 10 साल की निवेशक हूँ तो मैं रिफाइनरी सेक्टर को एनालाइज करूँगी, मैं देखूँगी कि उसमें रिलायंस कितना स्ट्रांग है, रिलायंस के मैनेजमेंट के पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके प्रॉफिट अर्न कर सकती है या नहीं। लेकिन अगर मैं एक डे ट्रेडर हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि रिलायंस का प्राइस क्या है ना, मैं तो वहाँ पे कुछ चंद बक्स कमाने के लिए ही गई हूँ। सो द प्रॉब्लम विद इन्वेस्टिंग, या हम बबल्स में क्यों फंसते हैं, ये अक्सर हमने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स बबल में इसलिए फंसते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक ना क्लूज लेंगे किससे, उस निवेशक से जो वो स्टॉक को सिर्फ 5-10 मिनट ही होल्ड करने वाला है। सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आप जब भी निवेश कर रहे हो तो आपके लिए एक स्टॉक का इंट्रेंसिक वैल्यू विल बी डिफरेंट इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कम्पेयर टू मेरे लिए अगर मैं एक डे ट्रेडर हूँ और मैं इस स्टॉक को बस 2 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटा होल्ड करने वाली हूँ। तो डोंट टेक क्यूज फ्रॉम दी अदर साइड, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो आपका थॉट प्रोसेस इन्वेस्टिंग के टाइम पे अलग होना चाहिए। यू शुडंट लुक एट ओ वो शॉर्ट टर्म वाला निवेशक क्या कर रहा है, अच्छा ये लोग इस पे प्राइस कर रहे हैं तो मैं भी इसी प्राइस पे। नो, योर गेम्स आर टोटली डिफरेंट। वो शॉर्ट टर्म जो निवेशक है ना वो इस स्टॉक को 1-2 घंटे में ही बेच के निकलने वाला है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप इस स्टॉक को शायद 10-20-30 साल होल्ड करने वाले हो, तो आपका थॉट प्रोसेस हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर सो दैट यू डोंट यू नो गेट कॉट अप इन अ बबल। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा ये थोड़ा अलग जो वीडियो हमने आज बनाया है ये अच्छा लगा। आप भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी इस बुक से सबसे फेवरेट स्टोरीज कौन सी हैं और आई वुड लव टू रीड देम। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर हाँ तो प्लीज़ सैमको सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए सही निवेश कीजिए, सैमको के साथ निवेश कीजिए।